हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के में 170 करोड़ रुपए की दो दर्जन योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ही जीतेगी। इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। शासनकाल के 4 वर्षों में 2 वर्षों तक कोरोना वायरस रहा, इसके बावजूद भी भाजपा सरकार कांग्रेस की 50 साल राज करने वाली सरकारों पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस नेता स्वयं को भविष्य का मुख्यमंत्री समझकर अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम के नारे लगाए। 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा बीता है काम करते करते। भले ही मैं लोगों के बीच में इन दिनों में कोविड के दौरान नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी मैंने हिमाचल प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ से ज्यादा शिलान्यास और उद्घाटन जो है वर्चुअल माध्यम से किए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से किए। हमने कहा जो योजना बनकर के तैयार है उनका उद्घाटन होना चाहिए, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र विशेष में विकास हो रहा है। आज आप देख रहे हैं, आज मनाली विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, 26 योजना जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए से 100 करोड़ से ऊपर का जो है उस पर जो है खर्चा किया जा रहा है। मनाली में बहुत सारी चीजों को हम पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने के लिए आने वाले समय में योजना बना रहे हैं।